के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार। आपको बता दें कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, और आपने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। जस्टिस खन्ना की बेंच सुनवाई कर रही है। केजरीवाल की लीगल टीम ने जल्द सुनवाई की मांग की थी और 2 घंटे की पूछताछ के बाद से गिरफ्तारी। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहा है इस पूरे मामले में, उसमें आपको बता दें कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये कल की तस्वीरें जिसमें केजरीवाल की गिरफ्तारी की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं और लॉकअप में ही उन्होंने रात बिताई। जो तीसरी तस्वीर, आज फिर से पूछताछ और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। कोर्ट में पेशी, और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहा है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले से जुड़ी हुई। इस वक्त की जो बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है उसमें केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें कि आपने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। जस्टिस खन्ना की बेंच सुनवाई कर रही है। केजरीवाल की लीगल टीम ने जल्द सुनवाई की मांग की थी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, 2 घंटे की पूछताछ के बाद से गिरफ्तारी, और अभी जो अपडेट इस पूरे मामले में है कि अब सुनवाई शुरू हो चुकी है, फिलहाल क्या हलचल, क्या अपडेट आपके पास? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आज केजरीवाल के मसले पर सुनवाई हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, इस वक्त में मैं ईडी मुख्यालय पे हूं और ईडी मुख्यालय में जहां पर अरविंद केजरीवाल को कल देर में रात में लाया गया, और अरविंद केजरीवाल इस वक्त में ईडी मुख्यालय पे हैं और आज उनको लंच के टाइम में, लंच ब्रेक के समय में, यहां से तकरीबन 1 से 1.5 बजे के बीच में उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो आज 3 जजों की बेंच आज इस मामले में सुनवाई कर रही है। जिस तरह से कल देर शाम में जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर ईडी की टीम पहुंची थी, तो उसी वक्त में उनके एक लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, और उसी मामले पर आज जो आज की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है और आज इस मामले पर सुनवाई होगी कि जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई, क्या उसकी गिरफ्तारी जायज है या नहीं है, इस मामले पे भी बकायदा सुनवाई होगी। लेकिन जहां तक अगर पुराने मामलों की अगर देखें, तो पुराने मामले ऐसे ही मामले सुप्रीम कोर्ट में दायर हुए थे, लेकिन बाद में वो मामले राव जेवनी कोर्ट में बाद में ट्रांसफर हो गए, क्योंकि जो कोर्ट के द्वारा कहा गया था उस वक्त में, चाहे बात करें राज्यसभा सांसद संजय सिंह की बात करें, या पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बात करें, या सत्येंद्र जैन की बात करें, वो मामला ऐसे ही पैटर्न पे उस वक्त में भी गिरफ्तारी हुई थी, उस वक्त में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि इस मामले पर जो तमाम जो सुनवाई है, जो लोअर जो कोर्ट है बकायदा, वहां पर इस मामले की सुनवाई होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरफ वहां देखा जाए कि उस मामले को लेकर अब तमाम जो सुनवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें जांच एजेंसी ईडी मुख्यालय की बात करें, तो जहां पर अरविंद केजरीवाल को रखा गया, हालांकि कल देर रात में वो आने के बाद यहां पर कोई रात में वो उन्होंने डिनर नहीं किया, क्योंकि वो घर से ही जब आए थे तो काफी परेशान से हालत में आए थे, और कल देर रात में हालांकि ईडी हेडक्वार्टर में उनसे पूछा भी गया कि अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अपने साथ में अपने जो मेडिसिन हैं वो अपने साथ में लेकर आए थे, अपने कपड़े जो हैं वो लेकर आए थे। तो आज सुबह में तकरीबन 4 से 4:30 बजे के लगभग में वो सुबह में उठे हैं, और तकरीबन 8 से 8:15 बजे के बीच में उनका जो मेडिकल चेकअप है उसके लिए टीम यहां पे पहुंच गई थी। बिल्कुल, तो शंकर आनंद, आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और दिल्ली में शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी को बीजेपी की साजिश बता रहे हैं, तो बीजेपी ने इसे आपके भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का कगार दिया है। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है। रात को अंधेरे में उनके घर में ईडी के लोग घुस जाए और इस तरीके से उनको गिरफ्तार करके ले जाएं। आज ये बात सच हो गई कि अरविंद केजरीवाल जो दुनिया को और देश को कह रहे थे वो सच था। जब आप 9 समन्स का निरादर करते हैं तो आप विवश करते हैं कि ईडी आपके घर आए, पूछताछ करे और आपको कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए ले जाए। एक ऐसे केस में गिरफ्तार करना
जहां पर आज तक ईडी कोर्ट्स के सामने कोई भी सबूत नहीं रख पाई है। अनथराइज कॉलोनी की जनता, दिल्ली में पानी के लिए, साफ पानी के लिए तरसती तड़पती हुई जनता, आखिर उसकी हाय तो लगनी थी। गिरफ्तारी सुनिश्चित थी, जिस प्रकार का उन्होंने रवैया अपनाया और कल हाईकोर्ट ने जो गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया, उसके बाद यह स्पष्ट था। इस भ्रष्टाचार के तार अरविंद केजरीवाल के घर तक जाते हैं। ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा के चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया। लोकतंत्र के लिए एजेंसी का मिसयूज जो है वो शर्मनाक है। कोई सवाल जवाब नहीं थे इनके पास, इनको सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना था, क्योंकि सर पे आम चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है मगर अंदर से घबराहट है, नर्वसनेस है। छह साल का दिल्ली की जनता का संघर्ष, ये अब न्याय की ओर जा रहा है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल के अंदर ही होना था। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। इस तरीके की हरकतों से, चाहे वो कांग्रेस के अकाउंट सीज करने की बात रही हो या जो है इस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की बात रही हो, कांग्रेस पार्टी इन सब बातों से घबराती नहीं है। इस पूरी की पूरी सिचुएशन के जिम्मेदार केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं हैं। दिल्ली की जनता को न्याय मिला है, भ्रष्टाचार करेंगे और आप जवाब नहीं देंगे और कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। और ये नैतिकता की बात करते हैं राजनीति में, जो जैसा करता है वैसा भरता है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के खजाने को लूटा है। वो कानून की प्रक्रिया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित कार्रवाई के दृष्टिकोण से हो रही है, जिसमें उनको न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली। इस देश का लोकतंत्र कितना विशाल है, आप देखिए कि एक मुख्यमंत्री जिसको जांच एजेंसी बार बार बुला रही है, माननीय न्यायालय ने कल ही टिप्पणी की कि आपको जाना चाहिए, उसके बावजूद भी वो उसमें से रास्ता ढूंढ रहे हैं कि मैं कैसे निकल सकता हूँ। ये इस लोकतंत्र की ताकत है। तो जितनी भी जांच एजेंसी है वो एक संविधान के तहत कानून के अंतर्गत काम करती है, ये बात पूरा देश ही जानता है, अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं। उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना एक ऐसे केस में जिसमें दो साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी एक रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है। रात को अंधेरे में उनके घर में ईडी के लोग घुस जाएं और इस तरीके से उनको गिरफ्तार करके ले जाएं। आज ये बात सच हो गई कि अरविंद केजरीवाल जो दुनिया को और देश को कह रहे थे वो सच था। जब आप 9 समन्स का निरादर करते हैं तो आप विवश करते हैं कि ईडी आपके घर आए, पूछताछ करे और आपको कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए ले जाए। एक ऐसे केस में गिरफ्तार करना जहां पर आज तक ईडी कोर्ट्स के सामने कोई भी सबूत नहीं रख पाई है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के भूटान दौरे पर है और भूटान में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री टोबगो ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया और पीएम मोदी को गले लगाया। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गुरुवार को खराब मौसम की वजह से पीएम की यात्रा रद्द कर दी गई थी। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और पूर्व राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे के साथ द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मामलों पर भी चर्चा करेंगे।
बदायूं में दो मासूम भाइयों के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार जावेद को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस की पूछताछ में जावेद कई अहम खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक घटना के दिन साजिद काफी परेशान था। उस दिन उसकी तबीयत भी खराब हुई थी और वो सैलून से जल्दी निकल गया था। शाम को लौटते वक्त साजिद के हाथ में चाकू था और उस चाकू को लेकर के साजिद पीड़ित परिवार के घर दाखिल हुआ था, जहां उसने इस दिल दहला देने वाली हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक साजिद की शादी 4 साल पहले हुई थी, लेकिन वो पिता नहीं बन पा रहा था। ऐसे में वो मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। वारदात के बाद साजिद और उसका भाई जावेद दोनों मौके से भाग गए, लेकिन साजिद को पुलिस ने पकड़ लिया, जिसके बाद साजिद ने पुलिस पर हमला किया और जवाबी कार्रवाई में साजिद एनकाउंटर में मारा गया। वहीं जावेद ने बरेली में सरेंडर किया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जावेद ने पूछताछ में बताया कि साजिद घर में अकेले गया था, वो बाहर ही था। के आसपास उसने कहा कि मैं मेरी तबीयत खराब लग रही है और मेरा मन नहीं लग रहा है, तो फिर ये दोनों वापस सखानू चले गए और थोड़ी देर के बाद ही उसके भाई ने कहा कि भाई तुम्हारी तबीयत खराब नहीं लग रही तो आज हम लोग कुछ चिकन वगैरह बना के खाते हैं, लेकिन भाई के इंसिस्टेंस पे दोनों फिर वापस चले आए शहर की तरफ। आने के बाद शाम को हमें एक ऐसा भी विटनेस मिला है जो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि इसकी तबीयत खराब थी और इसने ये कहा कि मैं मुझे खून की उल्टी सी होने जैसा लग रहा है और मैं कहीं जा रहा हूँ। इस बात की पुष्टि भी हुई है गवाह के बयान से। शाम को करीब 5:30 के आसपास ये थोड़ी देर के लिए बाहर गया साजिद। जब लौट के आया तो उसके हाथ में एक चाकू दिखाई पड़ा। हम लोगों ने उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया है जिसके हाथ से वो चाकू खरीदा गया था, उससे भी पूछताछ हो रही है। आने के बाद फिर घटना के समय दोनों ये इसने जब पूछा कि भाई तुमने ये चाकू क्यों खरीदा है, तो इसने कहा कि मैं रमजान के समय गोश्त वगैरह काटने का काम करूंगा, इसलिए चाकू मैं खरीद के लाया हूं। उसके बाद दोनों इसने बताया कि मैं मुझे किसी काम से पीड़ित विनोद के यहाँ जाना है, विनोद के घर के जाने के लिए। जब ये दोनों बाहर निकले तो विनोद के घर के अंदर चला गया और जाकर के उसने वहां घटनाक्रम को अंजाम दिया। और बड़ी खबर सुपौल से है, जहां में बकौर पुल का बड़ा हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। बकौर पुल के पिलर 50, 51 और 52 पिलर का गाटर गिरा है। हादसे में कई लोगों के घायल होने की सूचना भी मिली है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई मजदूरों के दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक 1200 करोड़ की लागत से ये पुल बनाया जा रहा था और इस पुल का काम 25 दिसंबर 2025 तक पूरा होना था। ये पुल केंद्र की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। तो हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिहार के सुपौल से ये जानकारी, जहां पर बकौर पुल का ये बड़ा हिस्सा गिरा है, 3 पिलर का जो गाटर वो गिरा है। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इस हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। गुणवत्ता इसमें नहीं है। दूसरा बात है कि यह पुल में जो काम करता है लेबर, उसको सेफ्टी नहीं देता है, इससे गिरता। उस पर से अभी लोड पे है जो 90 चक्का गाड़ी चढ़ा करके काम करता है, जबकि इसको नीचे से काम करना था। ये कब गिरा है पुला? आज गिरा है सुबह में। इसमें 40 आदमी नीचे में दबा हुआ है। 20 आदमी को ग्रामीण के सहयोग से हम लोग जो है मोटरसाइकिल से सुपौल पहुँचाए हैं। प्रशासन के लोग कोई आए? कोई नहीं, प्रशासन का लोग आया नहीं, कंपनी का एक भी स्टाफ नहीं आया, छोटा स्टाफ नहीं आया। बार बार हम लोग चेतावनी देते थे जाकर के, इसका जो मेन अथी था ट्रांसलेशन, तो हम लोगों को धमकी जेले का और थाने का देता था जो अरेस्ट करा करके भेजा देंगे। आप लोग रंगदारी मांगने के लिए आते हैं, बार बार कहने के बावजूद भी अपना करसीमा नहीं छोड़। कहीं ना कहीं गुणवत्ता पे सवाल उठ रही है, जो इतना बड़ा पुल देश का और वो गिर जाना गाटर। जी जी, उसमें गुणवत्ता पे कुछ नहीं। और स्नेक वेनम केस में जेल में बंद एल्विश यादव की बेल पर आज दोपहर 1 बजे सुनवाई होगी। पुलिस ने मामले में धाराएं बढ़ा दी हैं, जिसमें एनडीपीएस की 4 धाराएं जोड़ी गई हैं। 2 धाराओं को कोर्ट ने बढ़ाने से इनकार कर दिया। इधर एल्विश के वकील ने दावा किया है कि एल्विश अन्य किसी आरोपी को नहीं जानता, उसके लोकेशन से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। एल्विश यादव की बेल पर आज सुनवाई होगी, आज दोपहर 1 बजे बेल पर सुनवाई। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और सुनवाई से पहले जो है एल्विश के वकील का दावा कि किसी आरोपी को एल्विश नहीं जानता है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुनवाई से पहले एल्विश के वकील ने यह बड़ा दावा किया है, किसी भी आरोपी को एल्विश जानता नहीं है, ये वकील की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि एल्विश यादव की बेल पर आज दोपहर 1 बजे सुनवाई हो रही है।
और जैसलमेर के खोड़ी थाना क्षेत्र के दिगड़ी गांव में एक स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक 100 फीट तक स्लिप हुई, जिसमें उसमें आग लग गई। टक्कर से बाइक सवार एक का जो उस पर सवार था उसका पैर कट गया। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हुए। ग्रामीण इस डर से बाइक के पास नहीं गए कि बाइक की पेट्रोल की टंकी कहीं फट न जाए। मृतक की जेब से आधार कार्ड मिले हैं, उसी से उसकी पहचान हो पाई है। तो घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तस्वीर देखिए टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे इस भीषण सड़क हादसे की। और बस्ती के बाजको कस्बे की निमोरा पहाड़ी क्षेत्र में अचानक से आग लग गई और आग से पहाड़ी क्षेत्र में उगी वनस्पति और झाड़ झकाट जल करके पूरी तरीके से नष्ट हो गई। साथ ही कई जीव जंतु भी आग की भेंट चढ़ गए। सूचना पर वनकर्मी मौके पर पहुंचे, उन्होंने दमकल को सूचना दी। इस पर दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर पानी डाल करके काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। और होली के त्योहार को करीब देखते हुए कोटपुतली के बाजार में इस बार ऑर्गेनिक हर्बल गुलाल उपलब्ध है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने केमिकल मुक्त ऑर्गेनिक गुलाल तैयार किया है, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इसकी डिमांड काफी बढ़ गई है। कोटपुतली के नगर परिषद कार्यालय परिसर में इसकी बिक्री के लिए स्टॉल भी लगाई गई है। कार्यालय में आने जाने वाले लोग इस ऑर्गेनिक हर्बल गुलाल को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। हर्बल गुलाल को बढ़ावा देने के लिए आयुक्त ने हर्बल गुलाल खरीद करके अन्य स्टाफ को भी हर्बल गुलाल खरीदने की सलाह दी है। देवी के आवास पहुंचे और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से उन्होंने मुलाकात की। जब दोनों राबड़ी देवी के आवास से बाहर निकले तो एक तरफ जहां अशोक महतो ने कहा हम जीतेंगे, ललन सिंह ने कोई टक्कर नहीं है, ये इलाका मेरा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी का कहना है कि उनकी जीत बहुत बड़ी होगी। अपनी जीत के बाद वे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के लोगों को न्याय दिलवाएंगी। आपको बता दें कि अशोक महतो की पत्नी ने मुंगेर लोकसभा सीट से ललन सिंह के खिलाफ ताल ठोकने जा रही है और इसके लिए लालू प्रसाद यादव से आशीर्वाद भी इन्हें मिल गया है। हालांकि सिंबल दिए जाने पर इन्होंने कुछ नहीं कहा। अनीता देवी जी 3 लाख वोट से जीते, बहुत ज्यादा वोटों से जीत के आइएगा। मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में आपके, मुद्दे क्या रहेंगे? गरीबों का हक दिलाना। गरीबों का हक दिलाएंगे आप? न्याय दिलाइएगा। और जैसलमेर के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के सुल्ताना क्षेत्र में पीटीएम के पास बेकाबू बोलेरो कैंपर पलटने से एक गर्भवती महिला की मौत हो गई और दो बच्चों सहित 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहगीरों ने घायलों को सुल्ताना गांव के स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां प्राथमिक इलाज के बाद घायलों को जैसलमेर के जवाहर हॉस्पिटल रेफर किया गया है। जवाहर हॉस्पिटल में गंभीर हालत में 9 साल की बच्ची को जोधपुर रेफर किया गया है। नेढ़ाई पुलिस टीम ने यह बताया कि मृतका गर्भवती बाधु को उसके परिवार के लोग मेडिकल चेकअप के लिए जैसलमेर ले जा रहे थे। अचानक संतुलन बिगड़ने से गाड़ी पलट गई। गाड़ी में 4 बड़े और 2 बच्चे सवार थे। ये सभी नहरी इलाके के पीटीएम के आसपास रहने वाली भील समुदाय के हैं। सभी घायलों को जैसलमेर हॉस्पिटल ले जाया गया है। इनमें से एक 9 साल की बच्ची के सर में चोट आने की वजह से जोधपुर रेफर किया गया। और चित्तौड़गढ़ में इन दिनों फागोत्सव की धूम मची हुई है, जिसके चलते शहर में विभिन्न महिला संगठनों द्वारा जगह जगह फागोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के जिले भर में स्वीप गतिविधियां के अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान के तहत महिलाओं को निर्भीक होकर के मतदान करने की शपथ दिलाई गई, जिस पर उपस्थित महिलाओं ने शत प्रतिशत मतदान करने का संकल्प लिया। होली पर्व से पहले विभिन्न जगहों पर महोत्सव कर महिलाओं द्वारा फाग उत्सव मनाया जा रहा है। महिलाएं फाग गीत गा करके यह उत्सव मना रही है। विभिन्न मोहल्ले की महिलाएं अपने अपने ठाकुर जी को पाक लेकर के पहुँच रही है और कान्हा जी के साथ जम करके फाग खेला जा रहा है। रखते हुए निर्भीक होकर धर्म। और होली के त्योहार को करीब से देखते हुए कोटपुतली के बाजार में इस बार ऑर्गेनिक हर्बल गुलाल उपलब्ध है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने केमिकल मुक्त ऑर्गेनिक गुलाल तैयार किया है, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इसकी डिमांड काफी बढ़ती जा रही है। कोटपुतली के नगर परिषद कार्यालय परिसर में इसकी बिक्री के लिए स्टॉल भी लगा दिए गए हैं।
वैसे तो देश भर में फागुन शुरू होते ही होली की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो जाती हैं, लेकिन पहाड़ों में होली का एक अलग ही रूप दिखता है। पहाड़ में इन दिनों खड़ी और बैठकी होली की धूम देखने को मिल रही है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। पहाड़ में इन दिनों होली का दौर शुरू हो चुका है। चुनावी माहौल के बीच होली को लेकर लोगों में भरपूर उल्लास है। हर दिन बागेश्वर के अलग अलग क्षेत्रों में खड़ी और बैठकी होली के रूप में आयोजन देखने को मिल रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में होली पूरे जोर शोर से चल रही है। कुमाऊं में, उत्तराखंड के अंदर कुमाऊं में हमारी ये होली की परंपरा बहुत पहले से चली हुई है और हमारे उत्तराखंड की, हमारे कुमाऊं की होली बहुत प्रसिद्ध है। हमने ये देखा कि जो बाहर के काफी सारे पर्यटक है, उन्होंने भी हमारी जो पारंपरिक होली है उसका आनंद लिया और यहाँ की संस्कृति को उन्होंने समझने की कोशिश की, उन्हें काफी पसंद भी आया होगा। बागेश्वर में होली का सुरूर अब चढ़ने लगा है और यहाँ की हवाओं में होली के रंग घुलने लगे हैं। होलियारों की महफिल, होली की मस्ती और गीतों की मिठास घुलने लगी है। पहाड़ों में इसे खड़ी और बैठकी होली भी कहा जाता है। स्थानीय लोगों के साथ होली का पर्यटक भी भरपूर आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि पहाड़ की होली का अपना अंदाज है। सुना है यहाँ का होली बहुत अच्छी होती है, इसलिए यहाँ घूमने के लिए हमने होली के टाइम चूज किया है। ये नया एक्सपीरियंस हुआ, बट हमारे वेस्ट बंगाल में इस तरह से होली नहीं होता। मुझे भगत सर में यहाँ का होली का मौसम अच्छा है। यहाँ का जो आदमी, यहाँ का आदमी लोग का जो कल्चर, जो ऑल इंडिया में पूरा भारत में जो सबसे अलग बात है। कहीं ढोलक की थाप तो कहीं नगाड़ों की आवाज हर ओर सुनाई दे रही है। होली के गीतों पर नाचते हुए होलियारों की टोली माहौल में होली के रंग जमा दे रही है। न्यूज 18 के लिए बागेश्वर से।